अस्सलाम वालेकुम मोजिस खवातीन हज़रात, आज का हमारा नौवा मौजू है, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? बुर्ज कौस। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ते में जायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसके मरतब होने वाले असरात आपको अंदरून मुल्क सफर करने या बिरून मुल्क जाने में आसानियों को जन्म देने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से आपके बहन भाई आपकी माली अमदाद और आपसे अखलाकी तावुन जारी रखेंगे, जबकि दरपेश मुश्किलात और मसाइल का खात्मा यकीनी बनाने के लिए खुद को बाएतमाद बनाकर मुस्तहकिम फैसले करना और अमली तौर पर खुद को मुतहरिक करना भी बहुत जरूरी होगा। 28 और 29 मार्च को जहरा और मुश्तरी तसलीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी सियासी और समाजी पोजीशन को मुस्तहकिम करने का सबब बनेंगे। इसके अलावा आप में दूसरों के लिए खैर ख्वाही और फलाह बहबूद के जज्बात जन्म ले सकेंगे, जिसकी बिना पर आपके हल्का हबाब में वसअत हो सकेगी और आपको कई अहम तकरीबात में शमूलियत के मौके मिल सकेंगे, और मुमकिना तौर पर आप ऐसी तकरीबात की मेजबानी भी कर सकेंगे। आपके कामों में खूबसूरती और नफासत जन्म लेने से आपकी इज्जत व तौकीर में इजाफा हो सकेगा। आपको हफ्ते के आगाज में ही अपनी मुसबत कोशिशों को बड़ोए कार लाकर अपने कारोबार में तरक्की हासिल करने के मौके मिल सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुमकिन तौर पर आपको ना सिर्फ मेहनत व मशक्कत से काम लेना पड़ेगा, बल्कि अपने कारोबार की नौयत में तब्दीली लाना भी जरूरी होगा। इसके बाद अपनी सेहत की बहाली और अपनी कानूनी मसाइल को हल करने के लिए नए जराए मिसर आने से कामयाबी के वज़ा इम्कान सामने आ सकेंगे, जबकि अपने अजीज व अकारिब की मुश्किलात का अमली हल करने में भी कामयाबी समेट सकेंगे। इन दिनों में बहुत से बेरोजगार अफराद को बेहतर रोजगार मिल सकेगा, लेकिन शरीके हयात की सेहत का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा, जबकि जरा सी लापरवाही बहुत ज्यादा भयानक नतीजे का सबब बन सकेगी। आपको अपने कारोबारी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए दस्तियाब ज़राए अबलाग से इस्तफादा करने के अलावा दूसरों के निजी मामलों को सुलझाने में मदद मिल सकेगी, जबकि अजीज़ व अकारिब और पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार कर सकेंगे। इस दौरान आपको छोटे या मुकामी सफर पेश आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने मंसूबे मुतलवी करना पड़ेंगे, क्योंकि कोई नया और अनोखा प्रोग्राम भी बन सकता है। आपको अपने शरीके हयात के साथ मुस्तकबिल से मुतलिक तमाम मामलात पर तावुन जारी रखना आपकी मजबूरी बन सकता है, लिहाजा किसी किस्म की हिचकिचाहट से काम ना लें, बल्कि खुले दिल के साथ तावुन जारी रखें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ घंटी पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।